हेलो एवरीवन वेलकम टू लकी एजुकेशन और सीयू की 2023 की सीरीज में आपका स्वागत है हम कवर कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री और चैप्टर नंबर फोर तो चैप्टर में हम देखेंगे एमसीक्यू कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे तो तीन चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं तो ये फोर्थ चैप्टर है पहला क्वेश्चन इन विच स्टेट सांची स्टूप इज लोकेटेड कौन से स्टेट में सांची स्टूप लोकेटेड है तो आप सबको पता है सांची कहाँ पर है मध्य प्रदेश में

और दूसरी लेटर वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज हैं, 1500 से 1000 BC के बीच में और लेटर वैदिक मानते वन थाउजेंड से सिक्स हंड्रेड बीसी के बीच में ठीक है तो अर्ली वैदिक एज में आपका पहला वेद लिखा गया था जिसका नाम था ऋग्वेद और बाकी तीन वेद जो है वो लेटर वैदिक एज में लिखे गए थे मैं दोबारा बता रहा वैदिक एज जो माना जाता है 1500 से 600 हंड्रेड बीसी के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको वैदिक एज बोलते हैं हरपन सिविलाइजेशन जब खत्म हो गई थी तो वैदिक एज की शुरुआत हो गई थी ठीक है बाद में इसके जस्ट बाद अरपन सिविलाइजेशन माना जाता है नाइनटीन हंड्रेड में फिनिश हो जाती है और डिक्लाइन होने लगता है और फिर इसके बाद ये गैप आता है फिर वैदिक एज आती है वैदिक एज में आपको पता है आर भारत में आते हैं

महावीर आपको पता है में हैं थी, हैं हैं और और जो हैं, उनको हम बोलते महावीर है ना इनसे पहले कितने थे किस गढ़ से बिलोंग करती थी तो वो गण का नाम था साक्यू बाय द फर्स्ट बिकुनी टू तो ज्वाइन बुद्धिस्ट संघ अब देखो एक्चुअली हिंदी यहाँ तो इंग्लिश में तो बिकुनी लिखा हुआ है वैसे इसको भिक्षु बोलते हैं भिक्षुणी तो पहली विक्षुड़ी कौन थी जिन्होंने बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन किया था तो वो थी महाप्रजापति गौतमी महाप्रजापति गौतमी द नेक्स्ट इन विच बुद्धिस्ट टीचिंग आर कंपाइल्ड द टेक्स्ट या टेक्स्ट आएगा द टेक्स्ट इन विच बुद्धिस्ट टीचिंग आर कंपाइल्ड आर नोन एज तो उस टेक्स्ट का नाम बताना है जिसमें आपको देखने को मिलेगा बुद्धिस्ट की टीचिंग्स को कंपाइल कर रखा है उनको बोलते हैं तीपटक

लिखा गया है तो उस टेक्स्ट का नाम है आपका विनय पटक विनय पटक में मतलब भिक्षु और भिक्षुड़ी जो है मोक्स और नंस हैं इनसे संबंधित कुछ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी गई हैं संघ वाज एसोसिएशन ऑफ होम संघ में कौन होते थे अब देखो बुद्धिज्म में आपको संघ का बार बार चर्चा देखने को मिलेगी तो संघ में संघ होता था भिक्षु जो भिक्कूज होते हैं उनका एसोसिएशन होता था है ना वेन द अमरावती स्तूप फर्स्ट डिस्कवर्ड अमरावती स्तूप को कब डिस्कवर किया गया था नाइनटी सिक्स में

फिलोसफर रिलेटेड टू ग्रीस ग्रीस से संबंधित कौन से फिलोस्फरती है सोक्रेटीज तो मतलब तो प्लेटो तो और अरिस्टोटल ठीक है ये तीन बहुत फिलोसफर महान रहे कहाँ के ग्रीस के और तो सोक्रेडीज इसका सही आंसर आ जाएगा हाउ मेनी सेक्ट और ट्रेडिशन ऑफ थॉट टू बी फाइंड इन कंटेम्प्री बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट टेक्स में कितने हमें सेक्ट देखने को मिलते हैं ट्रेडिशन ऑफ थॉट देखने को मिलते हैं सिक्सटी फोर विच कंट्री इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर रीजन लाइक दीप वंश एंड महावंश तो दीप वंश और महावंश जो है ये किस देश से संबंधित है तो यहां पर इसका सही आंसर होगा श्रीलंका ठीक तो है तो श्रीलंका से संबंधित है दीप वंश और महावंश वज द सिंबल ऑफ एम्पटी सीट सिंबोलाइज एम्पटी सीट जो है किसको को सिंबोलाइज करता है मेडिटेशन ऑफ बुद्धा को सिम्बोलाइज करता है त्रिपथक जो थे बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है इनको आ, कब कंपोज किया गया था तो उनको कंपोज करने का टाइम तो जब महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्माण हासिल कर लिया था तब इनको कंपोज किया गया था मतलब लिखा गया था ऑफ 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 द द फॉलोइंग इज कंपाइलेशन टीचिंग्स महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स की कंपाइलेशन है आ, वो टीचिंग्स की कंपाइलेशन जिसमें महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में बताया गया था उस टेक्स्ट का नाम क्या है सूत्र पटक सूत्र पटक है महात्मा बुद्ध कहाँ पर पैदा हुए थे लुम्बदी नामक स्थान पर पैदा हुए थे जैनिज्म का एक इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है जैन धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है इनका इंपॉर्टेंट आइडिया है कि इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड पूरी दुनिया जो है एनिमेटेड है मतलब उसमें आपको जान देखने को मिलेगी हर चीज में आपको कुछ ना कुछ मतलब सम फॉर्म ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलेगी तो ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया है इसका जैनिज्म का बट बाय द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर इन ए स्तूप कॉल्ड तो स्टूप में जो ऊपर ऐसे करके ये तो अंडा हो गया वो एक स्ट्रक्चर रहता था बालकनी लाइक स्ट्रक्चर तो इस बालकनी लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे हरिमका

डील्ट विद फिलोसफिकल मैटर्स कौन सा टेक्स्ट है जो फिलोसफिकल मैटर से डील करता है तो वो है अभिधम पटक है ना और स्तूप का मतलब क्या होता है एक टीला ऐसे करके एक मतलब हीप इसको हम बोल सकते हैं हीप का मतलब एक टीला सा जो होता है इसी को हम बोल देते हैं स्तूप विच जातक स्टोरी इज एसोसिएटेड विद सांची स्तूप सांची स्तूप से संबंधित कौन सी जातक जो स्टोरी है वो संबंधित है तो यह है बेसांतरा जातक विच इज द मेथड ऑफ साल्वेशन इन बुद्धिज्म बुद्धिज्म में जो मोक्ष प्राप्ति का जो मेथड है वो कौन सा है वो है एट फोल्ड पाथ इसको फॉलो करो मोक्ष मु, मिल जाएगा प्रिजर्वेशन ऑफ सातूप सांची स्तूप के सुरक्षा के लिए प्रिजर्वेशन के लिए पैसा कौन देते थे तो भोपाल की बेगम्स दे दी थी ठीक है अब हम थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे इनसे भी एमसीब्यू बनते ही हैं. तो महात्मा बुद्ध ने पहला श्रमन कहाँ पर दिया था श्रमन मतलब पहला उपदेश कहाँ पर दिया था तो सारनाथ में दिया था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया एनिमेटेड है मतलब हर चीज में लाइफ है हर चीज के अंदर लाइफ है वट डू यू अंडरस्टैंड वाई गर्भग्रह और शिखर इन टेम्पल आर्किटेक्चर तो टेम्पल आर्किटेक्चर में गर्भ गर्भग्रह और शिखर का मतलब क्या होता है तो पहली बात तो गर्भ गर्भग्रह का मतलब होता है एक छोटा सा स्क्वायर शेप मतलब एक रूम होता है और इसमें आपको देखा है मूर्ति वूर्ति रखी जाती है ये हो गया गर्भ गर्भगृह इसके ऊपर इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है गर्भ गर्भगृह के ऊपर उसको हम बोलते हैं शिखर ठीक है

बुद्धा की जो टीचिंग्स है कहा टी किसमें कंपाइल कर दिया गया है त्रिपटक या हिंदी में त्रिपटक भी बोलते हैं अजंता की गिप्स कहाँ पर है महाराष्ट्र में दो मेजर भगवानों के नाम बताओ जो एंशियट हिंदुज में पूजा की जाती थी इनकी तो विष्णु और शिवा थीरीज का मतलब क्या ऐसी महिलाएं जिन्होंने लिबरेशन प्राप्त कर लिया है उसको हम बोलेंगे थीरीज अमरावती स्तूप कब डिस्कवर किया था 1796 में भगवान शिव के कितने इनकारनेशन हैं इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार भगवान शिव के कितने अवतार हैं तो बताते हैं दस अवतार हैं ठीक है और बराबर केव्स कहाँ पर है मतलब बराबर केव्स जो है किसने बनवाई थी बराबर केब्स आपको पता बिहार में इनको अशोका ने बनवाया था है ना अशोका बिल्ट द ऑफ बराबर फॉर द सेंट ऑफ विस सेक्ट तो अशोका ने जो बराबर की केब्स बनवाई थी किस अः संत मतलब संतों की किस समुदाय के लिए बनवाई थी तो ये आजीविका सेक्ट के लिए बनवाई थी वैन दिस टेम्पल ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्टेड तो एट सेंचुरी में कैलाशनाथ जो टेम्पल है महाराष्ट्र में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था तेईस में तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ चौबीस में महावीर जैन ऋग्वेद कब कंपाइल किया गया था एक हजार से सॉरी फिफ्टीन हंड्रेड से वन थाउजेंड बीसी के बीच में कंपाइल किया गया था लुम्बनी और कुशीनगर का क्या इंपॉर्टेंस है तो लुम्बनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था कुशीनगर में इन्होंने निर्वाण हासिल किया था ठीक है निर्माण हासिल किया था एक प्रकार से तो आज के लेक्चर बस इतना ही एक बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है ठीक है अब इस बुक के एक बार आपको एक साथ कई सारे एमसी देखने को मिलेंगे ये पार्ट वन है और सी के एग्जाम से पहले एक बार से और भी जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू जी बने सिर्फ और सिर्फ हम लास्ट टाइम पे एम जी एम जी डिस्कस करेंगे ठीक है तो अभी दूसरी बुक भी आएगी तीसरी आएगी हिस्ट्री के साथ जोग्राफी पॉलिटिकल इनके भी वीडियोज आते रहेंगे सो खुश रहो मुस्कुराते रहो लगे रहो मन लगा के है ना हार नहीं माननी है रुकना नहीं है धन्यवाद